बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिना सेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके ढेर सारे कीमती सवालात के जवाब, जो आपने मेरी वायरल हुई हुई वीडियोस को बहुत पसंद किया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी वीडियो को इतना पसंद किया, लाइक किया और कमेंट किया। तो अब आप मेरा काम है आपके उन सब कीमती सवालों का जवाब देना, तो मैं यहाँ बैठी हूँ आपके कीमती सवालों के जवाब देना। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज कौन से सवाल हैं। व्यूअर्स, आज का हमारा सवाल है कि एयर ड्राई और स्पिन ऑप्शन जो इसके अंदर दिया गया है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्यों दिया गया है ये स्पिन का ऑप्शन और क्यों दिया गया है ये एयर ड्राई का ऑप्शन, और इन दोनों को यूज़ में क्या डिफरेंस है? तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, स्पिन तो आपको पता है, स्पिन आपके कपड़े जो है वो निचोड़ेगी और बहुत अच्छे तरीके से वो ड्राई करेगी, और एयर ड्राई क्या करेगी, एयर ड्राई ने भी ड्राई करना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एयर ड्राई का ऑप्शन है वो नॉर्मल हमारी जो कंट्री है पाकिस्तान, उसमें जो डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज हैं जैसे मरी हो गया और ये कश्मीर वगैरह साइड हो गई, नॉर्दर्न एरियाज के लिए ये एयर ड्राई दिया गया है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बस आपने वो सूट जो है अभी के अभी वॉश करना है और जब आप उसे निकालें तो डायरेक्ट आयरन के लिए वो रेडी हो, आपको सुखाने की जरूरत ना पड़े, तो वो ये ऑप्शन उस इसलिए दिया गया है। जबकि स्पिन में भी आपके कपड़े जो होते हैं वो 80% जो है वो ड्राई हो जाते हैं, इस वॉशिंग मशीन में 80% ड्राई हो जाते हैं, 20% आपको जस्ट हैंग करना होता है और आपके कपड़े ड्राई हो जाते हैं 10-15 मिनट्स के अंदर। लेकिन जबकि एयर ड्राई में क्या होता है, वो रेडी टू आयरन होते हैं, यानी कि बस आपने इसके अंदर डाला। अब आपने वैसे तो ये नॉर्दर्न एरियाज के लिए दिया गया है जहाँ बिल्कुल सूरज नहीं निकलता, जहाँ बिल्कुल कपड़े सुखाने के लिए नहीं होती जगह, और वो चाहते हैं कि बस हम कपड़े डालें, वॉश करें और बस उसे रेडी टू आयरन हो जाए, तो ये एयर ड्राई इसलिए दिया गया है ऑप्शन। स्पिन में क्या होता है, स्पिन जो है हम नॉर्मल जो कपड़े होते हैं वो बहुत अच्छे, स्पिन में जो है हमें टाइम लिमिट दी गई है 8, यानी कि 8 मिनट तक जो है स्पिन हमारी करते हैं, और जबकि एयर ड्राई जो होता है वो 1 आवर के लिए होता है। इसमें टाइम डिफरेंस भी है, स्पिन 8 या 10 मिनट्स के अंदर स्पिन कर देती है जबकि एयर ड्राई 1 आवर लेता है ड्राई करने में। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्दर्न एरियाज के लिए दिया गया है, लेकिन हम इसे डेली यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हमें कोई एक ऐसा सूट चाहिए जो हमारा वॉश नहीं हुआ हुआ और हमने कहीं पार्टी में जाना है या कहीं इधर उधर जाना है, तो अब हमें चाहिए कि भाई अब हमने वो वॉश हो और फटाफट प्रेस करें और हम जो है वो पहने और चले जाए, हमें सूखने के लिए इतना टाइम ना लगे, तो आप वो उसको वॉश करके इस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में एयर ड्राई के ऑप्शन पे आप उसमें उसको वॉश करके एयर ड्राई के ऑप्शन पे उसको लगा दें, वो रेडी टू आयरन हो जाएगा और आप उसे पहनें और आप अपनी पार्टी एंजॉय करें। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि स्पिन और एयर ड्राई ये दो ऑप्शन हमें क्यों दिए गए हैं जबकि दोनों का काम एक ही है, कपड़े को ड्राई करना। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि स्पिन पर आपके कपड़े बिल्कुल 80% ड्राई होते हैं, यानी कि उनमें जस्ट 20% मॉइस्ट होता है, जबकि एयर ड्राई 100% जो है कपड़ों को ड्राई करता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपने बहुत अच्छे से जो है सुना होगा, और आपको उम्मीद है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम थी या जो भी डाउट था आपको वो दूर हो गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जिनको ये प्रॉब्लम आ सकती है आप उनको मेरी वीडियो रिकमेंडेड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूअर्स, आपका ये प्यार और मोटिवेशन ही है जो इसकी वजह से मैं और मोटिवेट होती हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।